और समंदर की सतह पर उठा एक भयंकर तूफान अब धीरे धीरे भारत के समुद्री तट की तरफ आगे बढ़ रहा है। देखिए, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से अनुमान है कि तब ये भारत में ओडिशा के समुद्री तटों से टकराएगा जब इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होने वाली है। और इसी को लेकर के प्रशासन की तरफ से एक अलर्ट भी जारी किया गया है कि सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, और प्रशासन यहां पर पूरी तरह से तैयार भी फिलहाल नजर आ रहा है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अलर्ट जारी किया गया। ओडिशा में लाखों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाया जा रहा है। करीब 10 लाख लोगों के रेस्क्यू का टारगेट भी रखा गया है। पश्चिम बंगाल में 2.5 लाख लोगों को रेस्क्यू के लिए फिलहाल पहले से अलर्ट जारी किया गया है। और आपको जानकारी भी दे दें कि तूफान से भारी नुकसान का अनुमान भी इस वक्त जताया जा रहा है कि नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। इसलिए बंगाल हो, पश्चिम बंगाल हो, या फिर आपको बता दें ओडिशा, सभी राज्य सरकारें इस पूरे मामले को लेकर और इस अलर्ट को लेकर के फिलहाल लोगों को चेतावनी भी दे रही है। कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा कोई राज्य प्रभावित होंगे तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल, जिसे लेकर के तैयारियां पूरी कर दी गई है। दाना तूफान की रफ्तार की अगर बात करें तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर हवाएं चल सकती है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। तो दाना तूफान को लेकर के अलर्ट जारी जो ओडिशा में किया गया है, पश्चिम बंगाल में किया गया है, उसके तहत ओडिशा में लगभग 350 जो ट्रेनें हैं वो रद्द कर दी गई हैं, स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। और इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी पूरी जो तैयारियां है वो की गई है। अब ये तस्वीरें आपको भद्रक उड़ीसा की दिखा रहे हैं। हालांकि यहां पर जो लहरें हैं वो ऊंची हुई उठती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी असर को लेकर के कहा जा रहा है कि ये थोड़ा और असर डालेगा और असर इसका जो है वो बढ़ जाएगा आने वाले वक्त में। और यही वजह है कि सारी तैयारियां पूरी है। SDRF NDRF की टीमों को तैनात किया गया है। ओडिशा से 10 लाख लोगों को जो बेल्ट के किनारे रहते हैं उन्हें शिफ्ट करने की तैयारी, जिसमें से लगभग 4 लाख लोगों को शिफ्ट भी कर दिया गया है। समुद्र भी बहुत अशांत है, अभी ये साइक्लोन के लिए समुद्र अशांत है, अभी सिचुएशन बहुत खराब है। इसलिए आप लोग बीच छोड़ दीजिए, अपने अपने सुरक्षित जगह को निकल जाइए, आप लोग अपने अपने रूम को निकल जाइए, घर को निकल जाइए, आप लोग बीच में कोई रहना नहीं है, सब निकल जाइए। अभी सिचुएशन बहुत खराब है, समुद्र का सिचुएशन खराब है और समुद्र भी बहुत अशांत है। अभी ये साइक्लोन के लिए समुद्र अशांत है, अभी सिचुएशन बहुत खराब है। इसलिए आप लोग बीच छोड़ दीजिए अपने। तो देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसे हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। लोगों को बताया जा रहा है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लोगों के रेस्क्यू के लिए खास इंतजाम किया गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट बंद होने से 400 फ्लाइटों पर भी असर पड़ेगा। वहीं आपको बता दें 9 जिलों में 26 अक्टूबर तक स्कूल सभी बंद रहेंगे। और पश्चिम बंगाल में 190 ट्रेनों को रद्द भी किया। तूफान को लेकर किस तरीके से एहतियात बढ़ता जा रहा है आप इस वक्त देख पा रहे हैं, अनाउंसमेंट की जा रही है लगातार। और क्या कह रहे हैं, क्या अनाउंसमेंट हो रही है सर? चलिए सीधे चलिए, बस लोग को उठा रहे हैं ऊपर चले जाने के लिए। तो अनाउंसमेंट हो रही है यहाँ पर और लगातार, और आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से लहरें तेज होती जा रही है उसी तरीके से पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है और अनाउंसमेंट कर रही है। और अनाउंसमेंट क्या किया जा रहा है, हम चाहेंगे कि आप अनाउंसमेंट एक बार करके बताइए। अवेयरनेस कर रहे हैं लोगों को, अपने अपने रूम को निकलने जा को बोल रहा है। तो जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें बीच से हटाने का काम किया जा रहा है। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं ये जो सायरन की आवाज है लोगों को आगाह कर रही है कि आप तुरंत के तुरंत बीच से हट जाएं। और यहाँ पर लाल का जो झंडा है वो बता रहा खतरे का निशान। और इस बीच पर कई झंडे लगाए गए हैं, वो एक डिमार्केशन लाइन है कि उसके आगे आपको नहीं जाना है। तो अनाउंसमेंट लगातार हो रही है और सायरन की आवाज, पुलिस प्रशासन बिल्कुल सतर्क है। और कल जिस तरीके से पूरी SP से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि जो तैयारी है मुकम्मल है और जो जीरो कैजुअल्टी है वो हमारी प्राथमिकता है। तो फिलहाल इस वक्त आप देख पा रहे हैं, और देखिए अभी आप उस तरफ कैमरे की निगाह से देखिए, जो लाल झंडे वो बता रहे हैं कि आपको आगे नहीं जाना है। और अनाउंसमेंट भी जरा सुनिएगा, देखिए लोगों को किस तरीके से आगाह किया जा रहा है। तो ये बहुत, जैसे जैसे अब समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे चक्रवाती तूफान का जो डर है, खौफ है, वो साफ तौर पर दिखता है। तो कुल मिलाकर जो तैयारियां हैं मुकम्मल है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो तूफान है वो अब अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पूरी से 200 से 300 किलोमीटर दूर इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा।
और ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी विवेक मौजूद है। विवेक, क्या तैयारियां वहां पर की गई है, क्योंकि कहा गया है समुद्र तट से सभी दूर रहे, अनाउंसमेंट भी सुनी जा रही थी। बिल्कुल, अनाउंसमेंट की जा रही है और साहब आपको बताएं कि जिस वक्त अभी हम यहां खड़े हैं, कोशल एरिया है पूरी का, और जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये जो लाल झंडा इस वक्त आप देख पा रहे हैं, और ये लाल झंडा कई तरह के इशारे कर रहा है। इशारा बस यही है कि खतरा है, यहां पर बूंदाबांदी शुरू हो गई है, और जो यहां पर ठहर पाना और जो बताया जा रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, वो चलनी यहां पर शुरू हो गई है। लेकिन जो अभी इस वक्त जो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि यहां से 200 से 300 किलोमीटर, तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर असर व्यापक तौर पर देखा जाने लगा है, और जो समुद्र में जो लहरें हैं और जो मौसम है, ये लगातार खराब होता जा रहा है, हवाएं तेज हो गई है, और ऐसे में यहां पर एहतियात के तौर पर सायरन बजाए जा रहे हैं, लोगों को हटाया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि जानमाल का कोई नुकसान ना हो। और जैसा कि हमने कहा कि प्रशासन के जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, वो है कि जीरो कैजुअल्टी हो, और इसके लिए क्योंकि हम आपको लगातार उस पते पर हम ले भी जाएंगे जहां पर 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, लेकिन वहां पर 70,000 लोग अभी हैं जिन्हें अभी दूसरी जगह पर ले जाना है, और ऐसे में छोटे छोटे पॉकेट्स भी बनाए गए हैं जहां पर कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को रखा जाए, शेल्टर हाउसेस टाइप के, उन स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को भी खाली कराया गया, जिसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई, और वहां पर लोगों की कैपेसिटी के मुताबिक लोगों को रखा जाएगा, उनके भोजन पानी की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की चिंता होगी, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन पर विशेष तौर पर सरकार ने फोकस किया। तो फिलहाल ये जो ऊंची उठती हुई जो लहरें हैं, ये आपको बहुत कुछ बताएंगी कि किस तरीके से जो चक्रवातीय तूफान है उसने अपनी जा रही है। इसके अलावा लोगों को बोला जा रहा है कि आप डरिए मत, आपकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया हुआ है, लेकिन आप वो बताइए, 5 और राज्य बताए जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल और साथ ही उड़ीसा के अलावा 5 वो राज्य जहां पर दाना तूफान का असर देखने को मिलेगा, वहां उसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, बंगाल और आंध्र प्रदेश, इनको विशेष तौर पर फोकस किया गया है, बंगाल और आंध्र प्रदेश, और जैसा कि हमने आपको बताया भी कि यहाँ पर जो होटल्स थे उसे खाली करा लिया गया है, लेकिन वहाँ जो बंगाल के लोग फंसे हुए हैं उनका ये कहना है कि हम कैसे जाएंगे, और वहाँ भी वैसी ही तबाही मचने वाली है। लेकिन इसके लिए जो रिपोर्ट्स आ रही है, हम आपको बताएं कि अभी जो मेरे पास जो अभी बड़ा अपडेट है वो ये है कि केंद्रापाड़ा, जगत सिंहपुर, धामरा पोर्ट, भीतर कन्या, मयूरभंज, ये ऐसे तटीय इलाके हैं जहां पर गंभीरता से ये तूफान टकराएगा। तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि प्रशासन सरकार के क्या इंतजाम किए गए, लेकिन आप भी अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया, लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए। और देखिए, लगातार राज्य सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही, चेतावनी जारी की गई, कुछ और तस्वीर और अपडेट आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं।